फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉकेट डायरी। और मैं हूं अमृता। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं केवीएस के, एनवीएस की, पीजीटी इंग्लिश के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने यहाँ पर कोर्स डिज़ाइन किया है शुरुआत से, और हम इस तरह अपने कोर्स को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम अपने एमसीक्यूज को भी इसी में इंक्लूड करते जाएंगे और सारे टॉपिक्स को अपने माइंड में सेट करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ चौसर। तो आप मेरे एज ऑफ चौसर वाले लेक्चर्स को देखने के लिए मेरी प्रीवियस दो वीडियोज़ हैं, उनको जाके आप एक बार विजिट कर लीजिए। उसके बाद आपको द एज ऑफ डार्कनेस अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा आज का टॉपिक है द एज ऑफ डार्कनेस और द एज ऑफ बैरननेस, दैट इज़ 15th century, एंड द टाइमिंग वॉज 1400 to 1550। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कम्स, वाई दिस कॉल्ड एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी और एज ऑफ बैरननेस? वॉट मेक्स इट मीन्स, इसको एज ऑफ बैरननेस क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या हुआ था इस एज में जो इसको एज ऑफ डार्कनेस कहा जाता है? तो इस एज में कुछ 100 ईयर के जो टाइम पीरियड है, इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट लिटरेचर या कोई भी फेमस राइटर ने कोई ऐसा फेमस वर्क यूज़फुल नहीं लिखा था, और ना ही कोई पोएट्री उस टाइम की अभी ऐसी अवेलेबल है जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो। इसलिए इसको एज ऑफ बैरननेस या एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। फर्स्ट थिंग, इफ़ यू रिमेंबर द वॉर ऑफ 100 ईयर ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड द टाइमिंग ऑफ 100 ईयर वॉर 1337 to 1453, वाइल द 15th century स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर। सो द वॉर वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एंड वेन द वॉर कम टू एन एंड इन 1453 अनदर वॉर गॉट स्टार्टेड विच इज कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेस। जैसे कि मैंने बताया, जो 100 ईयर की वॉर थी वो ऑलरेडी चल रही थी, और जैसे ही ये जो 100 ईयर वॉर थी 1453 में ख़त्म हुई, तो उसके तुरंत 2 साल बाद 1455 में वॉर ऑफ रोजेस स्टार्ट हो गई। मींस, ये जो एक वॉर के बाद दूसरी वॉर सीक्वेंस में अगर चलती रहेंगी, तो लोग, पब्लिक, पोएट किस तरह से इस वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो क्या लिटरेचर, कोई ऐसा लिटरेरी वर्क लिख सकते हैं जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो? तो इसीलिए इस एज को एज ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, विच इज़ जो वॉर ऑफ रोजेस है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 30 ईयर वॉर। ये जो वॉर है ये 30 ईयर तक चली थी। द टाइमिंग इज 1455 to 1485। इट वॉज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर। ये जो 30 ईयर वॉर थी, द वॉर ऑफ रोजेस, ये हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच में लड़ी गई थी। वेयर हाउस ऑफ लैंकास्टर डिफीटेड द हाउस ऑफ यॉर्क। आफ्टर दिस द पावरफुल मोनार्की गॉट एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड। जो ये वॉर थी, वॉर ऑफ रोजेस, ये हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हाउस ऑफ यॉर्क को डिफीट किया था किसने? हाउस ऑफ लैंकास्टर ने। और जिसके बाद एक पावरफुल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई इंग्लैंड में। सो दिस द रीजन द मोस्ट ऑफ द राइटर दोज हु वर कोर्टियर्स वर इन्वॉल्व इन दीज वॉर। मतलब जो राइटर्स थे वो इन्वॉल्व थे इन वॉर्स में। एंड दिस इज द रीजन वी हार्डली हैव लिटरेचर एंड इम्पॉर्टेंट बुक इन दिस एज। और यही रीज़न है कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर या फिर कोई इम्पॉर्टेंट बुक नहीं है, एंड वी कॉल इट द एज ऑफ डार्कनेस। बट राइटर दोज हु वर एक्टिव हेयर, मतलब उस टाइम पे जो एक्टिव थे, मोस्टली एजुकेशनलिस्ट, एंड दे हैव रिटन लॉट ऑफ बुक्स डीलिंग विद एजुकेशन। तो जो राइटर्स उस टाइम पे लिख रहे थे वो मोस्टली एजुकेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने जो अपना लिटरेचर या जो भी वर्क लिखे हैं वो एजुकेशन पे रिलेटेड ही लिखे हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट डेट इज़ 1476 इज़ द एरा। जो 1476 है वो एक ऐसा एरा था
जब विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में. सो द विलियम कैक्सटन इज द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476. एंड हिज फेमस वर्क्स आर द डिक्ट्स एंड द सेंग्स ऑफ फिलोसोफर. और जो विलियम कैक्सटन के फेमस वर्क्स थे वो थे डिक्ट्स एंड द सेंग्स ऑफ फिलोसोफर. इट इज़ द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन द इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में प्रिंट की गई थी वो फर्स्ट बुक थी डिक्ट्स एंड द सेंग्स ऑफ फिलोसोफर. बट इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन, दे मे बी आस्क यू अनदर क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड आउट ऑफ इंग्लैंड, कि वो कौन सी बुक थी पहली जो इंग्लैंड के बाहर प्रिंट की गई थी. देन आपका आंसर होगा गुटेनबर्ग्स बाइबल इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट एवर प्रिंटेड बुक आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय के बाद ये फर्स्ट एवर प्रिंटेड बुक होगी. कौन सी? द गुटेनबर्ग बाइबल. और जो ये द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय है वॉज प्रिंटेड इन जर्मनी. जो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय है वो जर्मनी में प्रिंट की गई थी. बट इन इंग्लैंड कैक्सटन द डिक्ट्स एंड द सेंग्स ऑफ फिलोसोफर वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक. ये जो जो जर्मनी की जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये सॉरी द गुटेनबर्ग्स बाइबल. एंड जो इंग्लैंड की फर्स्ट प्रिंटेड बुक है वो क्या है? डिक्ट्स एंड द सेंग्स ऑफ फिलोसोफर. कैक्सटन अनदर बुक इज मीन्स सेकेंड प्रिंटेड बुक इन इंग्लैंड वो क्या है? द टाइटल ऑफ द बुक इज गेम एंड द प्ले ऑफ चेस. आफ्टर दिस वी हैव फ्यू मोर राइटर्स. इसके बाद वी हैव फ्यू मोर राइटर्स दोज वर एक्टिव एट दैट टाइम हु हैव रिटन अबाउट एजुकेशन, फिलोसफी एंड अदर थिंग्स. हेयर कम द अनदर राइटर हु आर वेरी इम्पॉर्टेंट. आई विल टेक द नेम ऑफ डेजी डेरियस एरासमस. ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दैट टाइम एंड हिज फेमस वर्क इज प्रेस ऑफ फॉली, जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा. वेयर विच वॉज रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश इन 1511. यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज जस्ट एक्सटेंडेड बुक. वेयर ही टॉक्स अबाउट द फोली और स्टूपिडिटी. इट इज सिंपली बिलीव दैट नॉलेज इज द बेस ऑफ ऑल द सफरिंग्स. ये जो बुक है डेसिडेरियस एरास्मस की द प्रेस ऑफ फॉली, इसमें इसने बात की है राइटर ने नॉलेज के बारे में, कि जो नॉलेज है वो बेस है सारी ह्यूमन सफरिंग्स का. और जो इसमें जो ये प्रेस ऑफ फॉली में इसमें बात की गई है स्टूपिडिटी के बारे में और फोली के बारे में. एंड इट इज़ द नॉलेज दैट ट्रबल अवर लाइफ एंड वन शुड अवॉइड नॉलेज. हेयर ही टेक्स द रेफरेंस, जो कि बहुत ही फेमस रेफरेंस है और आप सबने इसको पढ़ा है मिल्टन की बहुत ही फेमस बुक में पैराडाइज लॉस्ट में, दैट ईव डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ गॉड एंड टेस्टेड द फ्रूट ऑफ नॉलेज. दिस इज द रीजन दैट वी पीपल आर सफरिंग बिकॉज वी हैव दिस नॉलेज थिंग. मतलब अगर ईव ने नॉलेज का जो फ्रूट है वो नहीं खाया होता तो आज हम ये चीज़ें जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम सफ़र नहीं कर रहे होते. दिस थिंग इट इज़ द फिलोसफिकल ट्रिटाइज दैट इंस्पायर्ड हिलेरी ब्लॉक अ मॉडर्न राइटर टू राइट एन एसे कॉल्ड इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस. इन प्रेज ऑफ फॉली से इंस्पायर होके जो मॉडर्न राइटर हैं हिलेरी ब्लॉक, इन्होंने एक फेमस एसे लिखा है जिसका नाम है इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, जो कि एक फिलोसफिकल ट्रिटाइज है. द नेक्स्ट राइटर वी हैव इज थॉमस मोर. थॉमस मोर यूटोपिया गॉट पब्लिश इन 1516 इन लैटिन, बट इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई राल्फ रॉबिन्सन इन 1551.
Remember this thing, Utopia is famously called prologue to modern socialism, prologue to Renaissance, and masterpiece of English humanism, with few more titles. In Utopia, it is a work of political philosophy, and here we have certain characters. They talks about imaginary city, Utopia. Utopia ka matlab hota hai Latin mein. Utopia is a Latin title. और इसका मतलब होता है इंग्लिश में द किंगडम ऑफ नोवेयर. सो हेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स. फर्स्ट बुक वी हैव द डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड द सेकंड बुक वी हैव डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया. हेयर यूटोपिया इज़ अ काइंड ऑफ कंट्री वेयर फार बेटर देन द नॉर्मल एम्पायर. जो ये यूटोपिया है एक ऐसी कंट्री है जिसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हैप्पी है, जो कि नॉर्मल एम्पायर होता है, नॉर्मल जो राज्य है उससे बहुत 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 ज़्यादा बेटर. इट इज़ द प्लेस वेयर एवरीबडी इज़ हैप्पी, दे हैव देयर लाइफ, एवरीबडी इज़ एजुकेटिंग देमसेल्फ, दे हैव वुमेन राइट्स, दे हैव रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, बट दे आर सर्टन थिंग्स विच आर बैंड इन यूटोपिया. मीन्स यूटोपिया ऐसी एक सोसाइटी के बारे में उसने इमेजिन किया है राइटर ने, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लोग एक दूसरे को एजुकेट करते हैं, उनकी गलतियों को सिखाते हैं, वुमेन राइट्स हैं, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं. इज़ इट पॉसिबल? ऐसा है क्या? नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकता है. और हाँ, लेकिन यूटोपिया एक ऐसा इन्होंने एम्पायर, इमेजिनरी एम्पायर बताया है जो कि बहुत ही, जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यूटोपिया में भी बैंड है. वो क्या है? फर्स्ट थिंग, देर इज़ नो प्रिवेसी गिवन एज फ्रीडम इन यूटोपिया. ऑल द इन्स मतलब होटल्स, दे आर बैंड. उसमें कोई भी होटल, सारे जो होटल्स थे वो बैंड थे इन यूटोपिया. गैम्बलिंग, हंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, मेकअप, ऑल दीज बैंड इन यूटोपिया. एंड इफ़ द वुमेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे शुड कन्फेस देयर फॉल्स टू देयर हजबेंड वंस इन अ मंथ. सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दोज यू हैव टू रिमेंबर इन यूटोपिया. ही टॉक्स अबाउट क्रिश्चैनिटी, ही टॉक्स अबाउट गॉड एंड गॉडली एग्जिस्टेंस. सो This is the first ever book where Thomas More talks about the ideal country, the ideal people, the ideal society that is totally imaginative. And next writer we have William Tyndale. William Tyndale is the first person to translate New Testament of Bible, though he was burned alive because people did not like New Testament translation and considered it as immoral. After this we have next writer Thomas Malory. Thomas Malory is the first person to compile all the Arthurian cycle which was randomly spread. He compiled all the story in a structured order and he deals with the death of Arthur. Thomas Malory, the modern day Arthur, deals with the death of Arthur. Means morte means, morte का मतलब होता है death. The first ever compilation जो कि publish हुआ था 1485 में. Next writer we have Sir Thomas Eliot. Sir Thomas Eliot is a famous writer and he has famously written Latin English dictionary जो कि बहुत ही वेल नोन और फेमस है. और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके लिए फ्यू मोर पॉइंट्स ऐड करने होंगे, इसको गूगल करना होगा. वेयर ही वॉज द फर्स्ट एवर रिटन डिक्शनरी, लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी, इट इज़ इन 1538. द नेक्स्ट बुक बाय थॉमस एलियट इज़ कासल ऑफ हेल्थ. कासल ऑफ हेल्थ पब्लिश इन 1538. इट इज़ द फर्स्ट बुक, ये ऐसी पहली बुक थी विच टॉक्स अबाउट द मॉडर्न जिम, जिसमें बात की गई है मॉडर्न जिम्स के बारे में. मॉडर्न सोसाइटी में हम जिम यूज़ करते हैं अपने फिजिकल
हेल्थ को मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए हम जिम का यूज़ करते हैं, उसी मॉडर्न जिम का जिक्र किया गया था थॉमस इलियट की इस बुक में. ही सेज दैट वी शुड हैव कासल देयर आवर यूथ कैन गो टू मेक देम सेल्फ टफ बाई ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग. इसने बात की है कि कासल मतलब जैसे आजकल की सोसाइटी में हम जिम में जाते हैं जहाँ पे ने हेल्थ को अब हमें फिजिकली ट्रेन करने के लिए सारे इक्विपमेंट एक ही छत के नीचे अवेलेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जिम. तो इसने इसी चीज़ के बारे में बात की है कि हमें हमारे पास भी एक ऐसा कासल होना चाहिए, एक ऐसा जिम होना चाहिए जहाँ पे हमारा यूथ जा सके और जाके वहाँ पे सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हों और वो खुद को टफ बना सकें बाय ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के द्वारा. बट यू डोंट हैव टू रीड बट आई विल सजेस्ट यू यू डोंट हैव टू रीड एनी ऑफ दिस बुक, जस्ट रिमेंबर देयर टाइटल, बिकॉज इनके अंदर का पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इनके टाइटल आप याद रखिए. द नेक्स्ट राइटर वी हैव रॉजर एस्चम. रॉजर एस्चम वॉज ट्यूटर टू क्वीन एलिजाबेथ. जो रॉजर एस्चम थे वो क्वीन एलिजाबेथ को पढ़ाने के लिए आते थे, वो उनके क्वीन एलिजाबेथ के एज अ ट्यूटर उनके महल में आते थे. ही टॉट क्वीन एलिजाबेथ हिज फेमस वर्क इज टॉक्सोफिलस. जो सर रोजर एस्चम का फेमस वर्क है वो है टॉक्सोफिलस, द स्कूल ऑफ शूटिंग, हिस्ट्री ऑफ आर्चरी, और इसकी सीरीज के बारे में इसमें बताया गया है, विच इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ शूटिंग. हेयर ही टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ आर्चरी फॉर द प्रिंसेसेस. नेक्स्ट बुक बाई रोजर एस्चम इज द स्कूल मास्टर. हेयर ही टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर. इट मीन्स हेयर द टीचर्स नीड टू बी ट्रेन. दिस बुक वॉज पब्लिश इन 1570 एंड इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुक दैट वी हैव बीएड एंड एमएड सिस्टम इन आर सिलेबस, इन आर एजुकेशन सिस्टम. जो हम आज के टाइम में बीएड और एमएड करते हैं वो इसी बुक से इंस्पायर है. मतलब इस बुक में 1517 में रॉजर एस्चम ने बीएड और एमएड की इम्पोर्टेंस को बताया है. देन वी हैव नेक्स्ट राइटर, ही इज़ एक्चुअली अ कंपाइलर, टोटेल. टोटेल फेमसली नोन फॉर हिज टोटेल्स मिसलनी, द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री. मतलब जो टोटेल्स है इन्होंने मिसलनी लिखी है. इस मिसलनी का मतलब है इसमें इन्होंने बहुत सारे अलग दूसरे डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की पोएम को लेके एक साथ एक बुक में कंपाइल किया है. तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में, हम बोलेंगे इसको कविता संग्रह, मतलब पोएम्स की एक एंथोलॉजी इन्होंने तैयार की. इट इज़ गॉट पब्लिश्ड इन 1557 इन लंडन. ही जस्ट अ पर्सन हु हैव सिंपली कंपाइल द सोनेट्स ऑफ हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्ल ऑफ सरे, द थॉमस यार्ड एंड निकोलस ग्रिमल्ड. यू हैव टू रिमेंबर द वॉल्यूम. जो ये वॉल्यूम है मिसलनरी, इसमें हमारे पास है 271 पोएम्स. इट इज़ फ्रॉम 15 फ्रॉम सरे, 27 फ्रॉम यार्ड एंड रेस्ट ऑफ सोनेट्स फ्रॉम निकोलस ग्रिमल्ड. वाइल द अदर सोनेट्स दे हैव नो ऑथेंटिसिटी, स्टिल वी हैव 271 पोएम्स. आफ्टर दिस वी आर सपोज टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सोनेट्स. सोनेट्स यू वेल नोन, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द वॉट इज सोनेट. सोनेट इज द इटैलियन स्टाइल. इट वॉज ब्रॉट इन टू इंग्लैंड बाई यार्ड एंड सरे. थॉमस यार्ड एंड हिज स्टूडेंट अर्ल ऑफ सरे, दे ब्रॉट सोनेट्स फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड. थॉमस यार्ड अडोप्टेड द सेम फॉर्मूला और द क्लासिकल स्टाइल, इटैलियन स्टाइल, विच वॉज यूज बाई पेट्रार्क इन इटली. एंड ही डिवाइडेड द सोनेट विच इज 14 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर पोएम. इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, फर्स्ट 8 लाइन कॉल्ड ऑक्टेव एंड नेक्स्ट 6 लाइन कॉल्ड सस्टेट. थॉमस यार्ड स्टार्टेड इमिटेटेड द सेम क्लासिकल स्टाइल, वाइल अर्ल ऑफ सरे मेड सर्टेन फ्लेक्सिबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट. एंड ही डिवाइडेड 14 लाइन सोनेट इंटू 3 क्वार्टरेन, 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड 1 कपलेट, मीन्स 2 लाइन.
The classical style of the Thomas yacht of octave and sestet, which was blindly imitated by Milton, जो कि मिल्टन ने एज इट इज इमिटेट किया है. वाइल द सरे स्टाइल वॉज इमिटेटेड बाई शेक्सपियर, और जबकि जो सरे का स्टाइल है वो शेक्सपियर ने इमिटेट किया है, और जो याट का स्टाइल है वो मिल्टन ने एज इट इज़ कॉपी किया है. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश सोनेट, जो शेक्सपीरियन सोनेट हैं उनको हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं. वी हैव टू रिमेंबर मिल्टन्स फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि सब ने पढ़ा है, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्किन सोनेट, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रार्किन सोनेट का. और इटालियन, अभी मैं बात कर रही हूँ पेट्रार्किन सोनेट की और इटालियन सोनेट की. हेयर ओपनिंग 8 लाइन्स मिल्टन टॉक्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस एंड ही सेज दैट बींग ब्लाइंड आई कैन नॉट प्रेज माई गॉड, आई कैन नॉट प्रेज माई मेकर, दिस इज़ एन इनजस्टिस. मतलब क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं अपने गॉड की प्रेयर नहीं कर सकती. जो फर्स्ट 8 लाइन है उनमें क्वेश्चन है, और जो लास्ट 6 लाइन है विच इज़ कॉल्ड सस्टेट, जिसको हम सस्टेट कहते हैं, मिल्टन सेज दैट गॉड डज नॉट नीड मी एंड दोज ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ये सोनेट की लाइनें हैं. ही इज इन वो जो ये हैं अपने मिल्टन हैं ऑक्टेव पोर्शन में, मिल्टन स्टार्ट डीलिंग विद द क्वेश्चन, बट इन सस्टेट मिल्टन गिव्स आंसर. वाइल जो शेक्सपियर हैं इन 4-4-4 थ्री डिफरेंट क्वार्टरेन क्रिएट्स अ क्वेश्चन एंड गिव्स द आंसर इन लास्ट 2 लाइन. मीन्स जो मिल्टन है वो 8 लाइन में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और 6 लाइन में उसका आंसर. एंड उसके अगेंस्ट जो शेक्सपियर के जो क्वेश्चन होता है वो उनकी 3 क्वार्टरेन में होता है, और जो उसका आंसर होता है वो लास्ट की दो जो उनके कपलेट हैं 2 लाइन्स उसमें होता है. दिस इज़ द रीज़न दैट शेक्सपीरियन सोनेट आर कंसिडर्ड फार बेटर देन मिल्टोनिक सोनेट. यही रीज़न है कि जो शेक्सपियर के सोनेट हैं उनको ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है रादर देन मिल्टोनिक सोनेट. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा. This is all about the age of darkness. In next video, we will dealing with the Elizabethan literature. I hope कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो मेरे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है वो आप तक पहुंच जाएगा.